तो गाइस हम अब हैं दिल्ली INA मेट्रो स्टेशन में और मैं अब जो जा रहा हूँ जहाँ पे वो है हौस खास। और हम भाई भूखे नंगे प्राणी हैं, खाने को हमेशा ढूंढते रहता हूँ स्ट्रीट फूड वगैरह। और आपको ही पता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रीट फूड ढूंढता हूँ, तो अब हम जा रहे हैं अगले स्ट्रीट फूड की तरफ। ढूंढ रहा हूँ मैं स्ट्रीट फूड, मुझे कोई मिल जाए अच्छा सा, तो हौस खास जाके देखते हैं, पता करते हैं क्या मिल सकता है वहाँ पे खाने को हमें स्ट्रीट फूड में। और मेट्रो के नीचे है, ये देखो पीछे मेट्रो लाइन है, यहाँ पे मेट्रो लाइन है उसके बाद। और हमें जाना कहाँ है, हुड्डा सिटी सेंटर की ओर, क्योंकि हौस खास वहीं पे आएगा तो हुड्डा सिटी सेंटर की ओर जाएंगे, हौस खास वहाँ पे आएगा एकदम। तो चलिए अब हम आपको सीधा मिलते हैं हौस खास में, और भूख की तलाश में, खाने की तलाश में मिलते हैं आपको सीधा हौस खास में। तो गाइस अब मैं लिफ्ट से ऊपर आया हूँ, हौस खास मेट्रो स्टेशन में हूँ और मेट्रो से बाहर आ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ एग्जिट पॉइंट की तरफ, यानी कि बाहर। और बहुत ही भीड़ है गाइस यहाँ पे, एक्चुअली चेंजिंग लाइन है ना यहाँ पे, पिंक लाइन के लिए चेंज की जाती है, तभी करके ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे, बाहर निकलते हैं एग्जिट, आगे मिलते हैं आपको किसी स्टॉल के सामने, भूखड़ के नंगे, भूखे नंगे से प्राणियों जैसे। बहुत मन कर रहा, भूख बहुत जोर की लग रही है मेरे को, तो चलिए बाहर मिलते हैं आपको सीधा खाने के स्टॉल के पास। तो गाइस अब मैं बाहर आ चुका हूँ हौस खास मेट्रो स्टेशन से, जैसे पीछे देख सकते हो उसका गेट है, हौस खास का एग्जिट गेट। और आगे मुझे काफ़ी सारी स्टॉल मिल चुकी है, कुछ खाएंगे जाके, ऐश करेंगे और मज़ा आएगा अब खाने में। तो चलिए, ऐसे तो मुझे दिखाया खाई टिक्की वगैरह दिखी है, गोले वगैरह भी हैं, बहुत कुछ है खाने को, जाके देखते हैं, उतना तो कर ही सकता हूँ भूखा नंगा जो हूँ मैं। गाइस ये मेरे को स्टॉल मिल गया है, और गोल गप्पे बर्गर वगैरह सब कुछ है। चलिए भैया से बातचीत वगैरह करते हैं और पूछते हैं उनके हाल चाल। हाँ भैया क्या हाल चाल? बढ़िया भैया। क्या नाम है भैया आपका? देवकी नंदन। हाँ जी देवकी नंदन। देवकी नंदन, तो क्या क्या रखते हो भैया आप? गोल गप्पे हैं, आलू टिक्की है, आलू चाट है, देवल्ले पापड़ी है, दही पूरी है। भाई बहुत रखा है आपने तो, तरह तरह की वैरायटी रखी है आपने। तो भैया बर्गर का क्या रेट है? बर्गर 40 का है। और गोलगप्पे? गोलगप्पे 30 का प्लेट है। 30 का प्लेट है, चलिए ठीक है। फिर पहले तो मैं गोलगप्पे खाऊंगा, फिर बर्गर टेस्ट करूंगा, दोनों चीज़ें टेस्ट करने वाला हूं मैं। अच्छा तो चलिए भैया खिला दो आप मेरे को। मेरा पहला गोलगप्पा। गोलगप्पा तो हो गया, बर्गर की बारी है, भैया खिला दे फिर बर्गर लेते हैं। तो कुछ नहीं है। हाँ जी भैया बर्गर में कितना टाइम लग जाएगा? 2 मिनट लगेंगे। ओहो बर्गर रेस्टोरेंट है। ये बर्गर आप बनाते हो पार्टनर से? एक ही जने का है। तो कितना टाइम हो गया भैया बनाते हुए? 15 साल। आप भी पता हो गया तो अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। कोरोना थी, सबका ये कर लिया, कोरोना क्या बोलूँ, सबका दिमाग खराब कर दिया। बाकी काफ़ी रेस्टोरेंट होगा शाम के टाइम पे, यहाँ पे भीड़ तो बहुत होती होगी? ऐसे ही रहता है, नॉर्मल ही रहता है। नॉर्मल बाकी गोलगप्पे खा के तो मज़ा आया मेरे को, ना ज़्यादा तीखा ना कुछ, और बढ़िया टेस्ट था।
तो गाइस ये बन रहे अपने बर्गर। ये वो चीज़ है जो मैंने थोड़ी देर पहले खाई थी, वो देख लो गोलगप्पे। और अब यहाँ चालू हो चुका बर्गर बनना। ये रहा अपना बर्गर, इसमें खाली एक चीज़ की कमी है, एक बर्गर ऐसे रहता तो दिल बन जाता पूरा ये। और भाई गर्म बहुत है। ये भैया ने क्या क्या डाले, चटनी, मीठी चटनी है, तीखी चटनी है, दही है, चाट मसाला भी है, और इसके अंदर सब्जी टिक्की। काफ़ी मज़ेदार लग रहा है यार। तो अब टेस्ट करके इसको बताएंगे ना। तो भाई चलिए एक निवाला पहला टेस्ट करते हैं अपन। ये देखो भाई, सच्ची बताऊं KFC वाले बर्गर ज़्यादा बढ़िया हैं। बिहार में जाके KFC में पैसा फूकते हैं हम तो। ये ज़्यादा मज़ेदार है यहाँ पे टेस्ट। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है गाइस। मैं अभी जो बात बोली सच्ची बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। मैं अगर बोलने में लगे रहूँगा तो ठंडी हो जाएगी। ठंडी खाना मेरे को अच्छी नहीं लगता। तो इसको खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ गाइस। तब तक के लिए मेरे को खाना तो यार। मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पे खाया वो था बर्गर और गोलगप्पे। और आप हौसखास गेट से जैसे एग्ज़िट करोगे ना तो एक मिनट का रास्ता है और आपको दिख जाएगा वो बर्गर वाले का स्टॉल। और काफ़ी मज़ेदार था गाइस, बहुत ही लाजवाब टेस्ट था उसका। और उन्होंने मुझे बताया कि 15 साल से वो यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को स्टॉल उनका। और बाकी मैं चीज़ आपको जैसे बताऊँ कि सबकी मेहनत अपनी अपनी होती है, वो 15 साल से मेहनत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि 15 साल उनको हो गए यहाँ पे लगाए। उन्होंने बोला कि कोरोना के टाइम पे, हालांकि कोरोना के टाइम पे सबका बहुत बहुत लोगों के नुकसान हुआ, बहुत लोगों का नुकसान हुआ,